आपकी भी बहुत ज्यादा लूज स्किन पड़ गई है, आपके चेहरे पे जो है झुर्रियां आ गई हैं या फिर आपके चेहरे पर लाइन सी आ गई हैं, जो फाइन लाइन्स होती है जैसे कि आंखों के नीचे या फिर यहाँ पर, तो कहीं भी आपके फेस पर झुर्रियां हैं या फिर रिंकल्स हैं या फिर पिंपल्स हैं या फिर लूज स्किन है, खासकर लूज स्किन है, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आप चाहते हैं कि आपकी स्किन टाइट बने, बिल्कुल जवा बने, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है ज़रूर, और जैसे मैं आपको बताती हूँ रेमेडी वैसे ही आपको फॉलो करना है। मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने फेस की कैसे मसाज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी लूज स्किन को टाइट में प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वही आज मैं बताऊंगी। देखिए हमें जो है हफ्ते में एक बार तो अपने फेस की मसाज करनी ही चाहिए अच्छे से, ताकि हमारी स्किन जो है लूज ना पड़े टाइम से पहले, ठीक है। और देखिए आपकी जो है, बढ़ती उम्र के साथ भी आपकी लूज स्किन पड़ रही है, तब भी जो है आप इस मसाज को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, जैसे कि मैं बताऊंगी वीडियो में वैसे ही आपको भी अप्लाई करना है। और ये मसाज किससे करनी है वो भी मैं आगे आपको बता देती हूँ। देखिए क्योंकि आप वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे थंबनेल को देखकर, क्योंकि बहुत सारी जो है रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारी जो है कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमें कोई ऐसी मसाज बताएं ताकि हमारी जो लूज पड़ी स्किन है वो टाइट हो, ठीक है, और हमारी जो आंखों के नीचे फाइन लाइंस आ जाती है, रिंकल्स भी आ जाते हैं साथ ही साथ, क्योंकि इस मौसम में जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। मौसम के अनुसार हमें अपने फेस की जो है अच्छे से केयर करनी चाहिए और अच्छे से मसाज करनी चाहिए। तो मैं आज बताऊंगी कि आपको किस तरीके से मसाज करनी है। देखिए ये मसाज तो ज़रूर है, बट आपको बहुत अलग तरीके से मसाज करनी होगी। कैसे करनी है वो आप मेरी वीडियो में देखना। जब भी आप मसाज करने बैठे तो आप मेरी वीडियो या तो लगा सकते हो या फिर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, फिर जो है अपने फेस पर मसाज करें, तो देखिए बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपकी जो है स्किन जो है लूज नहीं पड़ी है, या फिर आपको जो लग रहा है कि आपकी जो स्किन है लूज पड़ सकती है, तब भी जो आप इस मसाज को कंटिन्यू करोगे तो आपकी जो स्किन है बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ेगी, तो इसलिए आप भी जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। खासकर टीन एज के जो है उनके लिए बहुत ही बेस्ट मसाज होने वाली है। तो आज की जो मैं मसाज करने वाली हूँ वो करूँगी नारियल के तेल से। जी हाँ, नारियल के तेल से जो है आपको इसको मसाज करनी है। नारियल के तेल में आपको एक ऐसी चीज़ मिलानी है जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी लूज नहीं पड़ेगी, ना ही रिंकल्स की प्रॉब्लम होगी, ना ही मुहासे की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके फेस पर कोई भी दाग धब्बों की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही आपके रंग को भी ये अच्छे से जो है ब्राइट करेगा और आपकी जो फेस पर चमक नहीं है तो ये एक चमक भी लेकर आएगा, आपकी स्किन को ग्लास स्किन में प्रोवाइड करेगी। चलिए मैं बता दी हूँ आपको कैसे मसाज करनी है और किन किन चीज़ों से मसाज आपको करनी है, ठीक है। उससे पहले प्लीज़ वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ, सबसे पहले आपको लेना है नारियल का तेल, ठीक है, नारियल का तेल ही आपको लेना है, इसकी जगह आप बादाम का तेल बिल्कुल नहीं लेंगे और ना ही और कोई तेल आपको लेना है, यहाँ पर नारियल का ही तेल आपको लेना है, ठीक है। नारियल का तेल आप ले लें अकॉर्डिंग अपने फेस के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच नारियल का तेल ले रही हूँ, इनफ है, क्योंकि हमें इसमें एक चीज़ और मिलानी है। तो देखिए दूसरी जो चीज़ है वो है एलोवेरा जेल। अब आप बोलोगे कि फ्रेश एलोवेरा जेल हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो देखिए वैसे तो मैं यही कहूँगी कि मार्केट का है तो बहुत ही बेस्ट है, आपके पास मार्केट का नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फ्रेश भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है आपको करीबन एक चम्मच आपको तेल लेना है और आधा चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो है आधा चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स जैसे करोगे ये थोड़ी सी लाइट होती जाएगी, फिर जो है जेल में प्रोवाइड होगी, तब जो है इसकी मसाज करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए ये हमारी जो क्रीम है बनकर रेडी है, तो इस तरीके से आपको इसकी मसाज करनी है। चलिए कैसे मसाज करनी है तो मैं बता देती हूँ। मसाज करने से पहले सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से धो ले या फिर किसी भी टॉवल से साफ कर ले, ताकि कोई भी आपके फेस पर तेल वगैरह या फिर किसी भी तरह की कोई भी गंदगी ना हो, ठीक है। सोने से पहले आपको इस मसाज को करना है, रात में जब आप सोओगे तभी जो है इस मसाज को आपको करना है। देखिए ये जो मसाज मैं आपको बता रही हूँ ये मसाज और मसाज से अलग है, यानी कि जब हम स्क्रब की मसाज करते हैं या फिर फेशियल करते हैं तो उसकी मसाज अलग होती है, और यहाँ पर जो मैं आपको मसाज बताऊँगी थोड़ी सी अलग बताऊँगी, यानी कि पॉइंट को दबाते हुए आपको मसाज करनी है। मेरे आप हाथों को देख सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने
हाथों को चला रही हूँ, अपने फेस पर मसाज कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको भी करना है। इससे क्या होगा, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट बनेगी और हमारे फेस पर रिंकल्स, पिंपल, झुर्रियाँ या फिर फाइन लाइंस की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। देखिए, हफ्ते में आपको एक बार या फिर 15 दिन में तो आप जो है इसको एक बार ज़रूर से कंटिन्यू करें, ज़रूर से, क्योंकि इससे जो है आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी रहेगी और आपका रंग भी बहुत अच्छा सा बरकरार रहेगा। साथ ही आपकी जो स्किन है ग्लास स्किन में प्रोवाइड होगी और आपके फेस पर बिल्कुल भी झाइयां या फिर झुर्रियां या फिर जो लूज स्किन हो जाती है उस सब की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। मैं अपनी जो मसाज करती हूँ हफ्ते में एक बार करती हूँ और कभी मुझे टाइम नहीं मिलता तो 15 दिन में तो मैं एक बार इससे मसाज करती हूँ। देखिए, मैं नारियल के तेल से अपने बालों की भी मसाज करती हूँ क्योंकि मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन के लिए, हमारी बालों के लिए, ठीक है। तो आपको जो है अच्छे से मसाज करनी है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारी जो है जितनी भी हमारी लूज पड़ी स्किन होती है वो टाइट होती है अच्छे से, या फिर हमारी लूज नहीं है स्किन तो आने वाले टाइम में जल्दी से हमारी लूज स्किन नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है कंटिन्यू, और इसकी जो मसाज आपको करना है कम से कम 15 मिनट तो करनी है, 15 से 20 मिनट भी आप कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम है उतनी मसाज आप कर सकते हो। फिर जो है सुबह में वॉश करना है अपने फेस को, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। चलिए फिर।